भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी। यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चर्चित प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलही राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा
कि नवा कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विफलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी, जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वो सदियों तक अभिशिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही, अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया, और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है, दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदृष्टा के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम जी की पेड़ी नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, संरक्षण, संचालन, रखरखाव के कार्य हो रहे हैं। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है। भविष्य की